आज अगर हम चैन की सांस लेते हैं तो इसका श्रेय ऐसे डॉक्टरों को जाता है जिन्होंने अपनी जान की चिंता न कर हमारे लिए ऐसी चीजें बनाई जिनकी वजह से हम आज जिंदा हैं। नहीं तो दुनिया में इतनी पॉपुलेशन कभी ना होती। बात करेंगे ऐसे ही डॉक्टरों की जिनके कारनामों के बारे में शायद आपने कभी सुना हो। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरी मार्शल। एक समय था जब सबको ऐसा लगता था कि पेट के अंदर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बैरी मार्शल को इस बात पर विश्वास नहीं था। बैरी एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे जिन्हें लगता था कि पेट के छाले यानी अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उन्होंने अपने पेशेंट को एंटीबायोटिक पिलाकर पेट के छालों से छुटकारा भी दिलाया था। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है जो कि बैक्टीरिया को मार देती है। जब बैरी ने इस बात को पब्लिक के सामने पेश किया तो किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि बैक्टीरिया की वजह से पेट के छाले होते हैं। इसी वजह से बैरी मार्शल ने बैक्टीरिया को ही पी लिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद उनके पेट में छाले हो गए। जब उनके पेट को स्कैन किया गया तो पाया गया कि पेट के अंदर बैक्टीरिया जिंदा थे और अल्सर का कारण भी बैक्टीरिया थे। बाद में वे एंटीबायोटिक लेकर ठीक हो गए और इसी वजह से उनकी इस खोज को नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया। वर्नर फोसमन। 1929 के समय में हार्ट सर्जरी में उतनी तरक्की नहीं हुई थी और कई टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टरों को सफलता नहीं मिल रही थी। इससे वे बहुत परेशान थे और नई तकनीकी की खोज कर रहे थे। वार्नर ने सबको एक आइडिया दिया कि हम नस के सहारे कैथेटर ट्यूब को दिल तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हार्ट सर्जरी आसान हो जाएगी। पर किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि इससे पेशेंट की मौत हो जाएगी। वार्नर को ये एक्सपेरिमेंट कैसे भी करना था, लेकिन कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार नहीं था। तब वार्नर के साथ काम करने वाली एक नर्स को इसके लिए तैयार किया गया, लेकिन वो नर्स घबरा रही थी और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। वार्नर ने नर्स को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, पर उस पर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय वार्नर खुद इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी की जान चली जाए। उन्होंने बिना एनेस्थीसिया लिए ही अपने हाथ की नस को काट लिया और वहां से कैथेटर ट्यूब को डालकर अपने दिल तक पहुंचा दिया। इतना सब करने के बाद भी वो सांस ले रहे थे। मरने वाली हालत में वे हाँपते हाँपते अपने टीममेट्स के पास भागे। उन्होंने तुरंत उनका इलाज किया और उनके दिल से कैथेटर ट्यूब को निकाला। इस डरावने और रोंगटे खड़े करने वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से वार्नर ने खोज निकाला कि नस के अंदर कैथेटर ट्यूब डालने से वो दिल तक पहुंच सकती है, और इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ऑगस्ट बियर। एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा होती है जिससे दर्द नहीं होता। इसे सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान दर्द ना हो। पुराने जमाने में ऑपरेशन करने का तरीका बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता था। उस समय मरीज की बॉडी को सुन्न करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता था। उस समय अगर मरीज की सर्जरी करनी होती थी तो एक्टिव हालत में ही उसकी बॉडी को कट करके ऑपरेशन किया जाता था। दर्द के मारे मरीज की हालत खराब हो जाती थी, कभी कभी तो ज्यादा ब्लड बहने से मौत भी हो जाती थी। इसके साथ ही टाइम कम होने की वजह से जल्दी उस घाव को सिलना पड़ता था, जिससे वो सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। एक जर्मन फिजिशियन ऑगस्ट बियर को अपने मरीज का ये दर्द देखा नहीं गया। ऐसा नहीं था कि पहले एनेस्थीसिया नहीं था, लेकिन वो उतना असरदार नहीं था, इसलिए बियर ने 1898 में एनेस्थीसिया को विकसित करने का सोचा। बियर मानते थे कि हम पेशेंट को बिना बेहोश किए उसकी सर्जरी कर सकेंगे और उसे दर्द भी नहीं होगा। उनका मानना था कि अगर हम किसी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन के द्वारा कोकीन को इंजेक्ट कर दें तो उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी और उसे दर्द नहीं होगा। ऑगस्ट बियर ने अपने असिस्टेंट के स्पाइनल कॉर्ड में लिक्विड कोकीन को इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया और उसकी बॉडी को सुन्न करने के बाद
पैर में डंडे से बहुत मारा, साथ ही उसको सिगार से भी जलाया, पर असिस्टेंट को दर्द नहीं हुआ। लेकिन लिक्विड कोकीन का असर खत्म होते ही असिस्टेंट को दर्द होने लगा और वो वहां से भाग गया। पर ऑगस्ट बियर ने एनेस्थीसिया की खोज कर डाली, जो कि बॉडी को सुन्न कर सकती थी, और फादर ऑफ एनेस्थीसिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसी विडोसन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड वॉर इतना लंबा चलेगा, जिसके कारण राशन की कमी हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश सेना के कुछ सैनिक भरपेट खाना खाते थे, तो वहीं कुछ भूखे रह जाते। तभी ऐसी विडोसन नाम की डाइटिशियन और केमिस्ट ने सोचा कि अगर वो ये खोज लें कि युद्ध लड़ने के समय हर सैनिक को मिनिमम कितने भोजन की जरूरत होती है, तो वे इस समस्या से छुटकारा दिला सकती हैं। इसके लिए उन्होंने खाना खाना कम कर दिया और सिर्फ गोभी, आलू और ब्रेड के टुकड़े खाती। उन्होंने कुछ महीनों तक इसी तरह का खाना खाया। इतना कम खाना खाने के बावजूद वो हर रोज पहाड़ पर चढ़ती और दौड़ती। जब उनकी हेल्थ को चेक किया गया तो वो नॉर्मल थीं। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इतने कम भोजन में भी युद्ध लड़ा जा सकता है। उनके बनाए गए डेटा की मदद से ब्रिटिशों ने अपने सैनिकों को मिनिमम खाना दिया, जिससे सभी सैनिक जिंदा रहे और बिना थके युद्ध लड़ सके। सर हेनरी हेड एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो ये जानना चाहते थे कि दर्द कैसे काम करता है, यानी दर्द का मतलब क्या होता है। इसलिए उन्होंने अपने एक मरीज का इंटरव्यू लिया, जिससे वो जान सकें कि दर्द के समय कैसा महसूस होता है। पर उन्हें उस मरीज से कुछ खास मदद नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अपने सर्जन को बुलाया और कहा कि वो उनके शरीर के कुछ हिस्सों को काट दे। इसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट किए और हर एक्शन में हुए दर्द को नोट किया। इसके बाद उन्होंने दर्द की थ्योरी दी, जिसके कारण वे बहुत फेमस हो गए। इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन तो मिला, पर वो इसे जीत नहीं सके। लेकिन बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण खोज करके इस दुनिया के विज्ञान को विकसित कर गए। इन डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस को सफल बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमें इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये सब उस दुनिया में पैदा हुए जहां हम रहते हैं। इनकी की गई रिसर्च के कारण ही आज हम बीमार होने पर बिना किसी परेशानी के जल्दी ठीक हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।